नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक विदेशी संस्था ने भी भाग लिया था, जिसकी स्थापना अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 1875 में हुई थी। नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी। जी हां, आज हम थियोसॉफिकल सोसाइटी की कहानी बताएंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक महिला ने कैसे भारतीय राजनीति और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अथक प्रयास से प्रभावित किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में 1875 में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने की थी और थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में 1879 में आई और इसका मुख्यालय मद्रास के पास अडयार में खोला गया और इसी की सदस्य बनी एनी बेसेंट, जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को बहुत आगे तक पहुंचा दिया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सभी धर्मों का अध्ययन करना था और इसकी धारणाएं धर्म दर्शन और तंत्र मंत्र का अपूर्व मिश्रण था। ये संस्था जाति प्रजाति संप्रदाय या लिंग भेद का विचार किए बिना मनुष्य के सार्वभौमिकता की बात करती थी। इसी बात ने सभी भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना को जगाया और अंग्रेजों की जातिगत श्रेष्ठता को कमजोर किया। अंग्रेजों की जाति की श्रेष्ठता और हिंदू जाति विभत्सता के बीच एनी बेसेंट जैसी विख्यात यूरोपियन महिला ने भारत की सांस्कृतिक श्रेष्ठता का ऐलान किया और भारतीय राष्ट्रवाद को जगाने का काम किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने शिक्षा क्षेत्र में भी बड़ा योगदान दिया। शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए सोसाइटी ने 1898 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। सोसाइटी ने लोगों के अंदर शिक्षा को लेकर भारी जागरूकता फैलाई। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में जाति प्रथा का विरोध किया, दलितों को सामाजिक सरोकार के लिए प्रोत्साहित किया, दलितों के अंदर शिक्षा का संचार करने के लिए कई विद्यालयों का निर्माण कराया, भारतीयों में कैंसर की बीमारी की तरह लगे बाल विवाह का विरोध किया, जाति प्रथा को समाप्त करने, दलितों का उत्थान करने और विधवाओं के लिए समाज में सम्मान दिलाने का प्रयास किया और इसके लिए समर्थन भी किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी के योगदान को नकारा नहीं जा सकता और एक ऐसे समय में जब भारत के लोग जातियों में बटे हों और शिक्षा का अभाव हो और जो सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत अंग्रेजों से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा हो, उस वक्त एनी बेसेंट ने भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए जिसे नकारा नहीं जा सकता। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय जनमानस को थियोसॉफिकल सोसाइटी ने बहुत अंदर तक छुआ, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारतीयों के अंदर कहीं ना कहीं अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा भड़का और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी और ये सब एनी बेसेंट की मेहनत का फल था।